फर्स्टली सोनिया वेलकम टू अवर चैनल और मैनी कंग्रेचुलेशन आपके फर्स्ट म्यूजिक वीडियो के लिए. क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो हैं, अभी तो सिर्फ म्यूजिक वीडियो है, उतनी एक्साइटेड नहीं हूँ, अभी वेट कर रही हूँ प्रोजेक्ट का. तो बस ठीक है, आता रहेगा. मतलब थोड़ा ऑडियंस रहती है कि हाँ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो. तो डेफिनेटली ये सॉन्ग है अभी कोई बात करके, तो अच्छा है सॉन्ग बहुत. लाइफ बिग बॉस के बाद नहीं होती है, खुद करना पड़ता है क्रिएट, और मैं खुद क्रिएट करती हूँ. और अभी चल रहे मेरे 2-4 प्रोजेक्ट हैं जो अभी लाइनअप पे हैं, अभी देखो कब फ्लोर पे जाते हैं शूट पे, तो बस वेट कर रहे हैं. तब तक मैंने कहा ये छोटे छोटे गाने हैं तो मैंने करते रहता हूँ. शिप के साथ में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं और गाना भी शूट हो गया. और हम लोगों का बहुत पहले से लाइनअप चल रहा था, और एक दो गाने और भी थे, ठीक है, शिप के बजट में नहीं आए तो शिव ने मना कर दिया. फिर एक दो और आए, तो अभी एक दो और हैं गाने. तो ये वाला जो गाना था, तो ये शिव ने मुझे ही रेफर किया था कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है और टीम आपको लेना चाहती है, तो आप बताओ. मैंने कहा ठीक है, करते हैं. फिर उसने मुझे नैनीताल का बोला, यू नो, तो मेरा नैनीताल जाने का ऑलरेडी था, ठीक है, बट ये गाने की वजह से मेरा जाना हो गया, ठीक है. तो मुझे एक दो टेंपल घूमना था वहाँ पर, तो ये गाना भी हो गया, टेंपल भी घूम लिए. तो क्या कुछ विशेस मांगते रहे? विशेस ऐसा कुछ नहीं है, बस मन की शांति के लिए मैं प्रे करती हूँ. हाँ, मांगना नहीं होता, मांगने पहली बात तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं उनसे मांगने जाऊँगी तो मतलब नहीं है. तो बस थोड़ा जब आप ऐसा फील होता है कि नहीं आप ब्रेक डाउन हो रहे हो, तो बस आप माथा टेको, अच्छा फील होगा. इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत ये बता दीजिए, ऑफ स्क्रीन बॉन्ड शिव के साथ कैसा रहा और आप कितना उन्हें जानती थी पहले से? शिव को मैं जानती थी उनके रियलिटी शो से. इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छे रियलिटी शो किए, पहले बिग बॉस मराठी में वो विनर रह चुकी हैं, फिर उनके बाद बिग बॉस रनर अप रहे, खतरों में काफ़ी देखा मैंने, यू नो, और फिर नचवलिए में, यू नो, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, नचवलिए ही था ना वो, मुझे एक्सपेक्ट डांस वाला डांस दीवाने नहीं नचवलिए झलक, सॉरी. तो झलक में क्या है, यू नो, मुझे उनकी पर्सनैलिटी देख के लगता नहीं था कि वो इतना अच्छा डांस कर सकते हैं, बट मैंने ऑन स्क्रीन उनको देखा तो अमेजिंग, उनका डांस बहुत अच्छा है. तो ऐसे मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट हम लोगों ने काम साथ में नहीं किया था, इस टाइम हम लोगों ने काम किया है और आई होप आगे भी हम काम करें. यस यस, ऑफकोर्स शिव एक बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है, यू नो, कभी भी मैं सो रही होती हूँ, कभी भी कुछ कर रही होती हूँ, वो वीडियो बना रहा होता है, मैं कह रही हूँ मुझे परेशान क्यों करता है. मतलब उसका है ना एक अलग पैटर्न है, एज अ एक्टर तो वो बहुत अच्छा है, एज अ एक्टर भी है, एज अ ह्यूमन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है, ठीक है, और वो बहुत लोगों को अच्छे से डील कर लेता है, तो मेरा अच्छा उनसे जमता है. गाना अभी देखो कैसा आएगा, अभी तो मैंने देखा नहीं है. सुना तो गाना सुना है, इनफैक्ट गाना बहुत अच्छा है और हमारा शूट भी बहुत अच्छा हुआ था, तो इसके वजह से मैं एक्साइटेड हूँ और शिव ने काम बहुत अच्छा किया और मेरा तो पता नहीं अभी. ये है, बट इसमें एज अ एक कपल की स्टोरी है जो शादी करना चाहते हैं बट शादी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ फैमिली, तो इसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं और लड़की की किसी और से शादी हो जाती है, तो इस टाइप की स्टोरी है और शिव अकेला रह जाता है.
ये टाइप की स्टोरी है, बट मेरा ऐसा है कि कोई फिल्म आए उसके बारे में मैं स्टोरी बताऊंगा आपको। मतलब समथिंग इज इन पाइपलाइन। या एक्चुअली सॉन्ग में यू नो 4-5 मिनट में आप कितना जज कर सकते हो। एज अ एक्टर मुझे चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। और सॉन्ग में ठीक है, आप एज अ फ्री बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सॉन्ग कर रहे हो चौके। तो उस टाइप से मेरा थॉट है। इसी के साथ साथ जानना, ये जानना चाहेंगे ना, बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ आपकी दोस्ती बनती नजर आ रही है, स्पेशली खान जाती जिसके साथ सबसे ज्यादा आपकी अनबन थी। नहीं, मेरी अनबन कभी भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं उनको बहुत गाइड करती हूँ। हर चीज़ में उनको गाइड करती हूँ, कोई भी चीज़ होती है। ऐसे ही बिग बॉस में भी था, वो कभी तो मेरी बात सुनती हैं और कभी नहीं सुनती हैं, तो फिर हमारा फाइट हो जाता है। तो बिग बॉस में दिखाया गया था, प्रेजेंट ऐसा कर रहे थे कि हम लोगों का फाइट हुआ है, बट यू नो कैमरा जैसे ही हम लोगों ने फाइट किया है और देन एक साइड में जाते हैं और फिर वो हंसती है, तू झगड़ा भी कर लेती है मुझसे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, तू मैं शांत लड़की को परेशान कर रही है। तो ऐसे था, हम लोगों का कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन आपके अभी साथ हम 1-1.5 महीने हम साथ में रहे हैं, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि अब। मैं तो उसको बोल भी रही थी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो, साथ में ही रहो, बट उसने कहा कि नहीं, मुझे अलग रहना है, शिफ्ट करना है घर। नहीं, बहुत अलग है, मतलब उसकी वाइब्स अच्छी है। मतलब लेकिन आपके साथ जब हमारा एक बार इंटरव्यू हुआ था तब आपने एक बार कहा था यू नो कि ऑलरेडी पहले से सब कुछ प्लानिंग, रखा था। हाँ एक्चुअली मैं देखो उनका टीम था, ठीक है। मैं एज अ मतलब मुझे बिग बॉस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं एंटर कर गई हूँ, मैंने देखा तक नहीं है बिग बॉस एक्चुअल में पैटर्न क्या है, ठीक है। आपका फाइट हो रहा है वही दिखा रहे हैं, ठीक है। आप एज अ चाहे आप कितने भी कैपेबिलिटी हो, ठीक है। इसीलिए मैं अभी रियलिटी शो में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप एज अ एक्टर, एज अ मतलब हर चीज़ में आप आगे हो, ठीक है। फिर भी आप एज अ फेलियर दिखाते हो, तो वो मुझे पसंद नहीं है। आई एम नॉट फेलियर। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि जितने भी लोग थे, शायद मैं अभी आपको ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि वो कोई कैपेबिलिटी में नहीं है मेरे, ठीक है। क्योंकि मैं हर चीज़ में अपने आप को परफेक्ट बनाती हूँ और करती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा, मैंने कहा आई डोंट नो, आई ये लोग मतलब बिग बॉस से पहले रट के आए हैं, इसलिए इनको सारी चीज़ों को पता है कि कैसे क्या हैंडल करना है, और मुझे नहीं पता था। तो इनफैक्ट जितना ईशा ने काफ़ी अच्छा खेला, जितना ईशा ने मैनेज किया वहाँ पर, वो भी एक बहुत समझदारी थी, ठीक है। तो ऐसे अच्छे लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि हाँ सभी मतलब एवई डाले थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। अंकिता लोखंडे ने भी काफ़ी अच्छा किया था। तो इस टाइप के लोग तो अच्छे थे, बट जो कैपेबल भी नहीं थे वो भी चल रहे थे, तो वो मुझे लगा, मैंने कहा आई डोंट नो, आई मतलब थे यू नो वेरी वेल, क्या बात कर नो रहे नो हैं आप। आई एम नॉट मुनावर, मुनावर इन द सेंस उनकी एक पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था, यू नो चाहे वो आयशा की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसे हों, बट उन्होंने जिस तरीके से उन अपने आप को मैनेज किया, वो बहुत तारीफ वाली बात है। क्योंकि एज अ मतलब कोई भी आपके सामने आता है और आप ऐसे शॉक थे, तब भी उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि नहीं, हाँ मैं इसको जानता हूँ, मेरा इसके साथ में है, बट नाउ अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो मुनावर की नहीं, मुनावर ने काफ़ी अच्छा खेला, बट जिस तरीके से और भी खेल सकता था, उस तरीके से कम था। आपसे एक और एक चीज़ जानना चाहिए, जिस तरह अभी यू नो आप साथ में रही हो बिग बॉस के घर में, पता नहीं अभी आपका उनके साथ बॉन्ड है नहीं है, ईशा की बात कर रही हूँ, ओके। कि ईशा का फिलहाल जिस तरह से अभिषेक से फाइट हुआ था समर्थ के आने के बाद, और मुनव्वर ने एक प्रेडिक्शन किया था कि घर से बाहर निकलने के 2 महीने में ही देख लेना ब्रेकअप हो जाएगा, देखो वो प्रेडिक्शन सही निकला सर। मुनावर ने क्यों किया था, एज अ यंग एज कोई नहीं समझ पाता है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, कैसे रखना है।
तो आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला था कि आफ्टर बिग बॉस इन लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ईशा को अभी एज अ रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है, एक दूसरे की इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करूँ। और ख़ास कर यंग जो लड़के हैं, आई थिंक वो भी 19-20 की है, और समर्थ भी 20-24 का है, तो इस एज में रिलेशनशिप तो नहीं डटने वाला। इसमें तो ऐसे ही होता है, तो आई थिंक वो बेटर है कि डिस्टेंस हो जाए। आयशा की मैं बात करूँ, रिसेंटली हम उनके एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे थे जहाँ पर ना आयशा नज़र नहीं आई थी, और वो टी सीरीज़ का नहीं था बिल्कुल, वो टी सीरीज़ में इंटरव्यू दे रही थी, और सेम प्रोड्यूसर जो जिनका सॉन्ग लॉन्च था उन्होंने उनके ऊपर कंप्लेन, एलिगेंस लगाया। यस, एलिगेशंस एक्चुअली लगाए मैं थे वो और प्रोड्यूस कंप्लेन फाइल करने की बात की या थी। हाँ सो लाइक यू नो, अभी जिस तरह आपका सॉन्ग हुआ है, आप कितना अपने सॉन्ग को प्रमोट करोगी, क्योंकि ये आपकी तरफ से हामी भरी गई थी, राइट, कि आपको ये सॉन्ग करना है, चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर हो चाहे वो बड़ा प्रोड्यूसर हो। सो अभी आप अपने आप को और वो आयशा देखो, को यू किस नो, स्टेज बहुत सारे लोग हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी। काम मैंने भी ऐसा किया है, ठीक है, मैंने तो फिल्म छोड़ दी है, ठीक है, ये तो गाना है, फिल्म भी मैंने छोड़ दी है। यू नहीं, नो आपको बॉन्ड पूरा बना मैं हुआ है पैसे वही मैं के आपको लिए। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो, सम टाइम लोग आपसे काम कराते हैं कुछ और बोल के, ठीक है, जब एज अ रिलीज पे बात आती है, या कभी कभी जैसे मुझे शूटिंग पे ही पता चल गया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यू नो, गलती हम लोग कोई पता नहीं है, हम लोग आउटसाइड से आए हुए इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है, और क्या झूठ बोल के बना रहा है या सच बोल रहा है। यू नो, तो उस टाइप से ऐसे लोगों ने किया है, पहले भी मेरे साथ भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आयशा को इग्नोर करना चाहिए। ऐसा पर नहीं है कि ये जो फेम नहीं मिला था जब वो बिग बॉस नहीं कर रही थी तभी ये गाना शूट हुआ हुआ था। हाँ, मतलब आई थिंक उनको अभी ऐसा लगता है कि गाना बेटर नहीं है, मेरी प्रोफाइल के लिए सुटेबल नहीं होगा, तो आई थिंक उन्होंने आपको मना नहीं कर लगता दिया। ये सेल्फिश वर्क हो गया फिर? मतलब आपने काम भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, सबसे उस वक्त के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ आपने उसके वो म्यूजिक वीडियो किया था। बट यू नो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मेरे साथ भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मेरे से यू नो, मेरा काम अलग है, एज अ इंडस्ट्री भी मेरा कुछ काम है, ठीक है, उसको भी मैं हैंडल कर रही होती हूँ। सम टाइम मेरे पास कोई काम आ रहा होता है तो मैंने शायद उस पर सर्चिंग नहीं कर पाया, ठीक है, और लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि नहीं हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इस एक्टर को लेके आएंगे, इसको करेंगे, तो शायद मैंने वो स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट। बाद में मुझे पता चलता है कि ये लोगों ने मुझे झूठ बोला, झूठ बोल के मुझसे एक्टिंग करा रहे हैं, तो मैं नहीं सुनने वाली, मैं तो उस पर केस भी कर सकती हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, ठीक है। बट तब भी मैंने बहुत सारी जगह क्विट किया और मैं निकल गई, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में जो झूठ बोल के भी बिल्कुल काम बिल्कुल कराते हैं, ऐसा नहीं है। अब भी मेरा ऐसा है कि मैं थर्ड, मैं आगे बाद में होती हूँ, मैं दो तीन क्रॉस चेक कर रही होती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कहाँ है क्या। वैसे भी तो मैंने अवॉइड कर दिया कि मैं न्यू कमर्स के साथ मैं काम नहीं करूँगी, न्यू, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मैं न्यू एक्टर के साथ काम नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग कभी ना कभी मिस्टेक करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं है, ठीक है, और वो एज अ एक्टर हमारा करियर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो वो अवॉइड ही कर रखा है। लेकिन आयशा की बात तो टोटली अलग ही है, टोटली अलग उनकी है। वॉइस नोट है, आप यू नो, आप रिलीज कर रही हैं सॉन्ग, और उसी वक्त जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तभी उनको कॉल पे कॉल किया गया, वो टी सीरीज में थी। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता ना, आपको एक ब्रांड मिल गया और एक नॉन ब्रांड है, तो मतलब आप वो आप देखो, अपना लुक खो रहे हो, आपने कमिट किया है तो आप उसको फर्ज अदा करो फर्ज कर आपको। दो। यस बट जैसे कि मैंने भी अभी एक दो सॉन्ग किए हैं, बट आई एम नॉट मैं प्रमोट नहीं करने वाली, ये मैंने खुल के बोला हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये अपने जब कॉल पे मुझे आपने मेंशन भी करवाया ऑफ होगा, कोर्स राइट? मैंने मेंशन मैंने एक्चुअल में क्या है ना,
मैं करना ही नहीं चाह रही थी, बट एज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काफ़ी फोर्स करने के बाद, बट मैंने उनको बोल दिया गाना मुझे अच्छा लगा आफ्टर एडिटिंग, तो मैं अपनी प्रोफाइल पर डालूंगी, नहीं आप अपनी प्रोफाइल पर डाल के खुश हो जाना। वैसे बॉन्ड में नहीं है या मैं आयशा के बॉन्ड में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ बताया है, तो वही बस जाना था। देखो अब जैसे मेरा है, मुझे अपनी बात को खराब नहीं करना होता, ठीक है, मैंने जो बोला है वो मैं करूंगी, ठीक है, तो इसके वजह से आई डोंट नो आयशा किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने डील की हुई है, बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, मैंने ऐसा एक दो फिल्में भी ऐसा हुआ है कि मैंने आधी फिल्म करने के बाद मैंने छोड़ी है, ठीक है, तो ऐसा बहुत हुआ है, उन्होंने रिलीज किया क्या किया, मैं तो अपने गूगल से इससे हटाने की कोशिश करती रहती हूँ, ये नाम भी शो नहीं करना चाहिए मेरी प्रोफाइल पर, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है तो, बट हाँ आपका कमिटमेंट है तो उसको पूरा करना चाहिए। मैं इसीलिए जो भी एग्रीमेंट होते हैं मैं पहले से ही मेंशन करके डालती हूँ, ये मैं आपके पेमेंट के लिए कर रही हूँ काम, मैं अपनी प्रोफाइल पर शो नहीं करूँगी चाहे कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं, तो ऐसा है। yes. तो ये होता है लाइक वर्क सिस्टम एक होता है। हाँ और बात रही यू नो अनदर म्यूजिक वीडियो की आपके खुद की, तो कौन से यू नो कौन से को एक्टर है जिसके साथ आपको म्यूजिक वीडियो आने वाला है, क्या आप कुछ बताना चाहोगे? मेरा एक जी से भी आने वाला है, मेरा फ्रेंड है मोहित कपूर, उन्होंने डायरेक्ट किया है, पहली बार किया है, हम लोगों ने बाकू में शूट किया था और माइनस में हम लोग गए थे बर्फीली जगह पे, तो वो भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, इनफैक्ट लुक वगैरह मेरे बहुत अच्छे हैं और सिंगर भी बहुत अच्छा है उसका, तो एक तो वो गाना रिलीज है और एक शिव वाला है और दो गाने और हैं, अभी देखते हैं कौन कौन सा आता है। कल जाते जाते ही जाना चाहेंगे, सोनिया खतरों की खिलाड़ी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके नाम की भी चर्चा रही है, क्या कहना चाहूँगी, कितना सच है ये खबर कि आप आ रही हो खतरों की खिलाड़ी? अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि मेरा प्रोजेक्ट चालू हो गया, तो आई एम गोइंग टू यूरोप, तो आई थिंक वन मंथ मैं उधर ही रहूँगी, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी ये बिग कौन सा है खतरों, बट मैं फ्री रही तो डेफिनेटली आई विल डू इट। मतलब ऑफर इन द सेंस ये तो सब चलता रहता है, कौन जब फ्री, मैंने क्या बोला आपको, मैं बिग बॉस के टाइम भी फ्री थी, ओटीटी के लिए मेरा फाइनल हुआ था, ओटीटी में भी बातचीत चल रही थी, ओटीटी में नहीं मैंने किया, तो फिर ये मेरे को मेन में ऑफर आया था, तो ऐसे चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ मैं बिजी हूँ और फिर उसके बाद मैं अनदर काम ले लूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अभी मेरे दो प्रोजेक्ट हैं, अब देखो कौन सा ऑन हो जाए और ऑन नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं खतरों में। मतलब जिक्र कर ही लिए हो आपने ओटीटी की, क्या वजह थी आपने रिजेक्ट किया ओटीटी? वो मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी, ठीक है, और मैं नहीं छोड़ के जाना चाहती थी क्योंकि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे कैसे क्या चाहिए, ठीक है, तो सारा डेकोरेशन चाहे कोई भी चीज़ लेके, तो मैंने नहीं, मैं मना कर दिया, मैं इनफैक्ट मेरा और भी काम थे उस वक्त, मैं एक साउथ की फिल्म कर रही थी, तो मैंने ब्रेक लिया हुआ था फिल्म में क्योंकि मुझे अपनी छोटी की इंगेजमेंट अच्छे से करनी थी। लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि ये गाना है और आप लोग देखें और आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में मेरा अलग लुक है और वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।